Hello, children. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Introduction to Access. In this chapter, you will learn about database, introduction to relational database, guidelines to design a database, some technical terms in Access, components of Access, database objects, data type, advantages of Access, starting Access, working with tables, creating and modifying tables setting up a primary key saving tables closing database and exiting access access is the world's most popular desktop database it is part of the ms office software suite it is not only used in homes and offices but also used in millions of corporate firms across the globe it is a relational database management system that is rdbms that allows you to organize your data into tables each table focuses on a specific topic. The various tables can then be linked to each other for inquiry and reporting purposes. Access allows users to perform basic tasks such as opening and closing database, creating tables, forms, queries, and reports. If you want to understand Access, firstly, you must have to understand database. Access is the world's most popular desktop database. YapK MS Office Software Suite. Ka hi ek part hai. ये आपके घर और ऑफिसेस में तो यूज़ होता है साथ ही साथ ये आपके कॉपरेट फॉर्म्स में भी यूज़ होता है ओके okay? तो ये आपका आर डी बी एम एस है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करें टेबल्स में हर टेबल जो है स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करती है ओके एंड देन अलग अलग टेबल्स को यानी वेरियस टेबल्स को लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ वो इंक्वायरिंग इंक्वायरी के लिए या फिर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ओके okay? तो इसमें जो uh, यूजर्स है वो बेसिक टास्क भी कर सकता है जैसे कि डेटा को ओपन करना है उसको क्लोज करना है टेबल्स को क्रिएट करना है फॉर्म्स है क्वेरीज हैं रिपोर्ट्स हैं ओके okay? तो देखिए सबसे पहले अगर एक को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको डेटा को समझना बहुत जरूरी है राइट डेटा बेस अ डेटा बेस इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज दैट इट कैन बी ईजिली एंड अपडेटेड फॉर एग्जाम्पल द डेटा बेस ऑफ स्कूल कंटेन्स डेट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अटलफोन डायरेक्ट्री इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल डेटा बेस सम पीपल कन्फ्यूज बिटवीन अ स्प्रेड शीट सच इज एक्सिल विद एक्सेस अ स्प्रेड शीट इज जनरली यूज टू मेपुलेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कैन ऑल्सो डू दिस बट प्रमरली इट इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम एक्चुअल में डेटा बेस क्या है ई कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है ताकि इसको ईजीली एक्सेस किया जा सके मैनेज किया जा सके या अपडेट किया जा सके जैसे कि आपका अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम स्कूल का डेटा है उसमें आपका डेटा होगा स्टूडेंट्स का टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का टेलीफोन डायरेक्टरी है ये आपके सिंपल डेटाबेस का एग्जाम्पल है ओके okay? तो कुछ कई बार ना लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्प्रेडशीट के बीच में जो आपका एक्सेल का है एक्सेस के साथ बट स्प्रेडशीट जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए जबकि एक्सेस ये कर सकता है बट प्राइमरिल इसका काम जो है इसका प्राइमरी जो वर्क है दैट इज़ वो है डेटा स्टोरेज सिस्टम है आपका राइट right? introduction to relational uh, database a relational database organizes data in tables or relations a table is made up of rows and columns a row is called a record or tuple a column is also called a field or attribute a database a table is similar to a spreadsheet however the relationships that can be created among the tables enable a relational database to efficiently store huge amount of data and effectively retrieve selected data देखिए आपका जो रिलेशनल डेटा बेस है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है टेबल्स में या रिलेशन में ओके okay, तो टेबल आपको पता है कि रोज एंड कॉलम से बने होते हैं तो रो को कहा जाता है रिकॉर्ड एंड जो कॉलम है उसे कहा जाता है फील्ड तो डेटा बेस आपका सिमिलर है स्प्रेडशीट के हवाए जो रिलेशन हैं उनको क्रिएट किया जाता है अमंग द टेबल्स ओके Just for your information, Relational Database was proposed by Edgar Codd of IBM Research around 1969. Okay, the Relational Database was proposed in 1969 by Edward Codd. Guidelines to design a database. Before designing a database, you must have to follow some guidelines. These guidelines will help you to create a great database. 1. Identify all the fields needed by you to produce the required information. टू ऑर्गेनाइज ईच पीस ऑफ डेटा इन टू इट्सफुल पार्ट टू मेक द डिजाइन परफेक्ट थ्री मेक ग्रुप रिलेटेड फील्ड इन टू टेबल्स फोर डिटर्मिन ईच टेबल्स प्राइमरी की विश बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड फाइव इंक्लूड कॉमन फील्ड इन रिलेटेड देखिए डेटा बेस को डिजाइन करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस का पता होना जरूरी है ओके okay, तो सबसे पहले कि आपको जितने भी फील्ड्स हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी उनको आइडेंटिफाई करना है okay? ओके हर जो हर पीस ऑफ डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है उसके स्मॉलेस्ट यूजफुल पार्ट में जैसे कि जो डीज डिज़ाइन वो परफेक्ट बने ओके ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स बना रहे हैं इनटू टेबल्स और हर टेबल की जो प्राइमरी की है उसको डिटर्मिन करना ओके okay? और एक कॉमन फील्ड को इंक्लूड करना है रिलेटेड टेबल्स में से सम टेक्निकल टर्म्स इन एक्सेस मेनी टेक्निकल टर्म्स आर यूज इन एक्सेस एक्सेस अरेजेज एंड वाइड डेटा बेस एज अंडर नंबर वन डेटा बेस फाइल द डेटा बेस फाइल इज अन फाइल ऑफ डेटा बेस विच कैन सिज द होल डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर टू मे अ डेटा बेस फाइल इन द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सेस डॉक्यूमेंट देखिए सबसे पहले जो टेक्निकल टर्म आपकी आती है एक्सेस में दैट इज अ डेटा बेस फाइल यह आपकी मेन फाइल होती है डेटा बेस की जिसमें आपका पूरा डेटा होता है डॉक्यूमेंट का ओके तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि एक डेटा बेस फाइल बनानी होगी access document case starting here, right to table a table is a basic element of a database and contains the data entered by users each row or record contains information about a particular item the record is made up of uh, several fields each field contains one piece of information relating to the item example student name roll number address phone number etc a database stores many tables टेबल आपका बेसिक एलिमेंट है डेटा बेस का जिसमें आपका डेटा जो यूजर एंटर करता है ना वो होता है तो हर रो में आपकी इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में और जो रिकॉर्ड है आपकी बनती है बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे कि आपका है हर फील्ड में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो उस आइटम से रिलेटेड हो एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट नेम है उसका रोल नंबर है एड्रेस है फोन नंबर तो, है ओके और जो डेटा है वो काफ़ी सारी टेबल्स को स्टोर करता है थ्री फील्ड A field is an individual set of data items that are of the same type. If you have to take an example of a class record, to demonstrate this, the class as a whole would be your database. It has three fields the roll number is one field, the student name is another, and the marks is the third one. Each, as a unit, would be a record. As a record, it is a set of fields with data relating to one thing. वील फॉर ईच पीस ऑफ डेटा दैट यू वॉन्ट टू स्टोर एज पार्ट द रिक्डल मेनी फील्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट ने देखिए फील्ड आपका ना एक इंडिविजुअल सेट होता है डेटा आइटम्स का जो कि सेम टाइप का होता है जैसे कि आप क्लास रिकॉर्ड का अगर एग्जाम्पल लें तो इसको डिमॉन्सट्रेट करने के लिए एज अ होल क्लास को एज अ होल आपको ये आपका डेटा बनेगा इसमें थ्री फील्ड्स आएंगे रोल नंबर आपका एक फील्ड है स्टूडेंट नेम है एक आपका फील्ड और आपका है मार्क्स ये थर्ड फील्ड आपका हो गया तो हर यूनिट आपका एक रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड आपका क्या है सेट ऑफ फील्ड्स विद डेटा रिलेटिंग टू वन थिंग ओके अब आपके पास क्या है आपके पास फील्ड है टा जो कि आपको स्टोर करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड तो टेबल में आपके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्टूडेंट का नेम है स्टूडेंट का एड्रेस डेटा बेसिस टेबल कंसिस्ट ऑफ फील्स एंड फील्ड आर ऑफ अटेन डेटा टाइप अ फील्स डेटा टाइप डिटर्मिन वट काइंडेटा इट कैन होल्ड एवरी डेटा हैज डेटा टाइप्स फॉर टेक्स integers integers are whole numbers that is numbers without a fraction and decimal numbers and so does access but access also has some data types that are specific to access like the hyperlink attachment and calculated data type you can use different kinds of data types for the desired field example the data type of student name is short text the data type of student roll number is number Achha, database mein aapke tables hote hai. टेबल में आपके फील्ड्स होते हैं एंड फील्ड्स होते हैं आपके सर्टेन डेटा टाइप्स ओके तो फील्ड डेटा टाइप आपका डिटर्मिन करता है कि किस तरह का डेटा ये होल्ड करके रख सकता है हर डेटा बेस के आपके डेटा टाइप्स होते हैं आपके टेक्स्ट के लिए एंट्रजर्स के लिए ओके डेसिमल नंबर्स के लिए ओके एंड सो डज एक्सेस बट एक्सेस में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एक्सेस तक जैसे कि हाइपर है अटैचमेंट है या कैलकुलेटेड डेटा टाइप है ओके okay? तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स को हम डिजायर्ट फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि जो स्टूडेंट नेम का जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट है जबकि स्टूडेंट रोल नंबर का जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर राइट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन द डेटा टाइप फाइल कैन भी स्टोर ईदर हार्ड डिस्क और एनी अदर मीन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज जो डेटा टाइप फाइल है उसको स्टोर किया जा सकता है या तो हार्ड डिस्क पे या किसी भी दूसरे स्टोरेज डिवाइसेज पे राइट कॉम्पोन ऑफ एक्सेस वाइल क्रिएटिंग डेटा बेस्ट फाइल अ फाइल फॉर्म बॉक्स इज ओपन To the left hand corner of this box, the following file formats are seen. 1. Tables. Tables are the data storage facilities in Access. As much as possible, data of a table design should be done in advance on paper. Here, however, you will be creating the table on the screen so that you can see the stages as they are implemented. Each table contains rows called records and columns called फीस अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एक्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल शुड बी यूनिक देखिए टेबल्स आपके डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक्सेस में मिलती हैं तो जितना पॉसिबल हो सके जो डेटा होता है ना टेबल का डिज़ाइन का वो एडवांस में कर देना चाहिए पेपर पर है ना तो आप देख लीजिए जब आप टेबल को क्रिएट करेंगे स्क्रीन पर है ना तो आपको क्या नज़र आएंगे स्टेजेस यू कैन सी एज दे आर implemented. हर टेबल में आपके रोज होती हैं जिन्हें रिकॉर्ड्स कहा जाता है कॉलम्स होते हैं जिन्हें फील्ड्स कहा जाता है तो रिकॉर्ड आपका कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन या किसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक है और हर रिकॉर्ड जो टेबल का होता है दैट शुड बी यूनिक राइट नंबर टू क्वेरीज क्वेरीज कॉपी और चेंज डेटा आर आइडेंटिफाइड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क नेक्स्ट टू द नेम्स इन द डेटा बेस विंडो क्रॉस क्वेरी they calculate some average count or other type of total on records and then group the result by two types of information. One down the left side of the data sheet and the other across the top database window. They ask question about the data stored in the tables and return results set in the form of a data sheet without changing the data. They keep आपके क्वेरीज कॉपी या चेंज डेटा होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क से ओके okay, जो नेक्स्ट इनके नेम के नेक्स्ट होता है डेटाबेस विंडो क्रॉस टेप क्वेरी में ये सम कैलकुलेट करते हैं एवरेज कैलकुलेट करते हैं और भी जो दूसरे टाइप ऑफ टोटल होते हैं रिकॉर्ड्स में ओके एंड देन रिजल्ट को ग्रुप करते हैं दो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में एक तो होता है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा शीट और दूसरा होता है आपके डेटाबेस विंडो के टॉप पे तो ये क्वेश्चन पूछते हैं जो आपका डेटा स्टोर्ड होता है आपके टेबल्स में उसके बारे में एंड देन रिटर्न करते हैं रिजल्ट को डेटा शीट की फॉर्म में बिना डेटा को चेंज किए नंबर थ्री फॉर्म्स फॉर्म्स प्रोवाइडर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू व्यू द डेटा इन दे शो अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम क्वेरीज दे आर ऑल्सो यूज टू फेसिलिटेट डेटा इनपुट यू कैन अपडेट डिलीट योर डेटा इजिल वाइल यूजिंग फॉर्म्स they दे आर द बेस्ट वे फॉर द यूजर टू कैन देख देखिए करने के लिए भी यूज किया जाता है क्वेरी से ठीक है और इसके अलावा इनको यूज किया जाता है कि डेटा इनपुट को फेसिलिटेट करने के लिए राइट आप अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं जब आप फॉर्म का यूज कर रहे हैं next four reports reports provide a means of organizing and summarizing data reports are often used to present an overview highlighting main points and trends a report can be a simple list a student's report or a school report with reports one can prepare mailing labels for various producers produce a directory prepare invoices present data summaries a report is made from the data available

डेटा सामरीज को प्रेजेंट कर सकते ओके? तो आपकी रिपोर्ट बनती है किससे जो भी आपका डेटा अवेलेबल होता है ओके? डेटा दे अलाउ यूजर्स टू वर्क ऑटोमेटिकली एक्सेस अलाउज यूजर टू डू एन ईजी एंड विजुअल एंड मैनेज मैक्रोज मैक्रोज आपके ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं जो कि Okay, that should be performed to an object of the data. These users ko allow karte hai ki automatically wo work kar sakte hai. Access allow karta user ko ki wo easy or visual mechanism ko kar sakhe, okay, to make and manage macros. Number six modules. Modules are collection of procedures, statements and declarations which are stored at units. They are very similar to macros. Generally there are of two types. दे आर यूज टू डू द एडवास्ड फंक्शन ऑफ डेटा बेस फॉर एग्जाम्पल एग्जमाइनिंग द डेटा एंड कॉम्प्लीकेटेड सिचुएशन मॉड्यूबुल्स आपके कलेक्शन होते हैं प्रोसीजर स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन के जिनको एज यूनिट स्टोर किया जाता है ये भी माइक्रोस्के जैसे ही होते हैं सिमलर होते हैं और जनरली ये दो तरह के होते हैं और इनको यूज किया जाता है जो एडवास्ड फंक्शन्स होते हैं ना डेटा बेस के उनको करने के लिए जैसे कि एग्जमाइनिंग द डेटा एंड कॉम्प्लीकेटेड सिचुएशन डेटा बेस ऑब्जेक्ट Databases and access are composed of four objects, tables, queries, forms and reports. Together, these objects allow you to enter, store, analyze and compile your data however you want. Tables, queries, forms and reports are the framework for any database you create in access. Deekhe, aapka jo databases hain Access mein, wo objects which are tables, queries, forms and reports. And what do allow एंटर स्टोर एनालाइस एंड कंपाइल योर डेटा जिस तरह से आप करना चाहते हैं डेटा okay? तो बेस है, के फ्रेमवर्क है ओके okay? जो आप एक्सेस में क्रिएट करते हैं डेटा डाइप वन इम्पोर्टेंट सेटिंग फॉर फील्स इज अ डेटा डाइप विच कुड बीडम्पर शॉर्ट टेक्स्ट क्रांसी एंड डेट और टाइम The data type also determines the actions one can perform on a field and how much memory the data will use. Fields also have properties that control the details of information inside them, including a character length, a default value, and a validation rule that makes sure the data meets a certain criteria. In Access, many types of data types can be used as there are different data types in a table. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स ऑफ एक्सेस आर गिविन बिल्लो देखिए एक जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है फील्ड्स की वह आपका डेटा टाइप जो आपका नंबर भी हो सकता है शॉर्ट टेक्स भी हो सकता है करंसी डेटा टाइम भी हो सकता है ओके okay? तो डेटा टाइप आपका ये भी डिटर्मिन करता है कि द एक्शन वन कैन परफॉर्म ऑन अ फील्ड और कितना जो मेमरी है डेटा यूज़ करेगा राइट right? फील्ड की आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि इंफॉर्मेशन की डिटेल्स को कंट्रोल करता है ओके okay, जैसे कैरेक्टर लेंथ है डिफॉल्ट वैल्यू है या वैलिडेशन रूल है ओके okay? मतलब कि वो मेक श्योर sure करता है कि जो डेटा है वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करे ओके okay? तो एक्सेस में बहुत तरह के डेटा टाइप्स यूज करते हैं आपके आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ टेबल तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स एक्सेस की आपके नीचे गिवेन है इस टेबल में देखिए डेटा टाइप नंबर वन शॉर्ट टेक्स्ट एंड साइज होता है इसका अप टू फिफ्टी फाइव कैरेक्टर्स इन फॉर्मेट न्यूमेरिक टेक्स्ट एग्जाम्पल फोन नंबर्स ओके फोन नंबर्स में आपके नारे टेक्सट ही होते सारे नंबर्स होते हैं फंक्शंस टेक्स कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स और नंबर्स लेटर्स और दे कॉम्बिनेशन नंबर्स कैन ऑल्सो भी यूज एज टेक्सट ओके नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट इसका साइज होता है अपट टू सिक्सटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन कैरेक्टर्स एंड फॉर मैट अ लॉन्गर पीसेज ऑफ टेक्सट फंक्शन इट इज़ यूज इन वे यू हैव टू एंटर लॉन्गर टेक्स तो जहाँ पर आपको लंबा सा कोई टेक्स्ट एंटर करना है वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट डेयर राइफ इज नंबर Size eight bytes, format long integer, integer, single, dub, double, n bytes. Functions numbers can be used only from the prescribed size which you can declare in document. Next data type is date or time. Size eight bytes, format. Okay, example twenty five slash twelve slash twenty, and this is the format of time. डेट मन योर एंड इसी तरह से आपके पास नीचे फॉर्मेट है टाइम का फंक्शन टाइम द डेटा कैन विडी फ्रॉम हंड्रेड टू नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आई टू नाइन ओके नेक्स्ट ग्रंसी साइज एट बाइट एंड इसका फॉर्मेट है अप टू फिफ्टी इंडिज फंक्शन है इट कैन ऑल्सो भी यूज इन मैथमेटिक्स और साइंटिफिक फंक्शन यू कैन टाइप ओनली करंसी वैल्यू इन दिस टाइप ऑफ वीज ओके तो देखो इसको यूज किया जाता है आपके मैथमेटिक्स या साइंटिफिक फंक्शन के लिए और एक ही करंसी आप इसमें टाइप कर सकते हैं करंसी वैल्यू को नेक्स्ट है ऑटोन साइज फोर बाइट्स

ठीक है है तो इसको किया जाता है, logical values के लिए चिल्ड्रन हियर आर टू क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे राइट ओके नेक्स्ट है आपके पास ओ एल ई ऑब्जेक्ट साइज अप टू वन गी गाइड एंड फॉर्मेट फॉर पिक्चर्स साउंड वीडियो वर्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट्स ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स function. It is used to insert pictures, sound, video, word, Excel documents and any other type of files which are supported by your system. Isko sound, hai, right? Next is hyperlink, size up to 2048 characters and format combination of text and numbers stored as text and used as a hyperlink address. Function. It is used for links to the WW or email. Okay, so it's obviously hyperlink it or links ke use ke to the WW or email. Next, advantages of Access. Number one, easy installation in work. Access gives data managers a fully functional relational database management system. Like any other Microsoft applications, Access contains wizards that help you through each step of the program. Number two easy to participate access works well with many of the developing software programs based on windows like microsoft sql server and non microsoft products like oracle and sybase you can easily participate in these programs with the help of access number 3 popular rdbms access is the most popular desktop relational database management system in the world data can be viewed and sorted in many ways in access नंबर फोर सेव्स योर मनी, एक्सेस इज़ मोर इकोनॉमिकल देन अदर लार्जर सिस्टम्स ऑफरिंग द सेम फंक्शंस एंड यूसेज नंबर फाइव कन्वीनियंट एंड स्टोरेज कैपेसिटी. एक्सेस डेटाबेस कैन होल्ड अप टू टू जी ऑफ डेटा व्हिच इज़ वेरी टू यूज इन द अदर लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अच्छा देखिए एडवांटेजेस क्या है सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल करना ना काफ़ी ईजी होता है इस पर वर्क करना काफ़ी होता है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की तरह एक्सेस में आपके विजर्ड्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं राइट और इसमें देखिए एक्सेस वर्क जो है वो बहुत सारे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छे से काम करता है जो कि विंडोज़ पे बेस्ड होते हैं लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर या नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि और राइकल की हम बात करें तो ईजिली पार्टीसिपेट हम इन प्रोग्राम्स में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस एक्सेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्स्ट्रॉप रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट है वर्ल्ड का ठीक है डेटा को व्यू किया जा सकता है सॉर्ट किया जा सकता है बहुत सारे तरीके से एक्सेस में और सबसे बड़ी बात है हमारा पैसा भी सेव करता है ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है कंपैरेटिवली अदर लार्जर सिस्टम्स ओके और एक्सेस uh, डेटा आपका लगभग टू जी ऑफ डेटा को होल्ड करके रख सकता है जो बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए राइट सिक्स मल्टी यूज सपोर्ट मोर देन अबाउट टेन यूजर्स इन अ नेटवर्क एंड यूज एन एक्सेस एप्लीकेशन इट इज़ अ मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट इट है टाइम डेटा कैन भी शेयर एंड एडिटेड बाई सेवरल यूजर्स साइमल्टेनियसली अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि मोर देन टेन यूजर्स नेटवर्क में वो एक्सिस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है डेटा को शेयर किया जा सकता है एडिट किया जा सकता है देखिए सेवरल यूजर्स के द्वारा साइमल्टेनियसली राइट नंबर सेवन इंपॉर्टेंट डेटा

और आपका ये सिक्योर डेटा बेस सिस्टम है और इन्फॉर्मेशन जो आप इसमें सेव करती हैं वो आपकी पूरी तरह से सिक्योर रहती है ये डुप्लीकेट डेटा को मिनिमाइज कर देता है और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करता है ओके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन द डेटा बेस फाइल इन एक्सेस यूज डॉट ए सी सी डी बी एक्सटेंशन तो जो डेटा बेस फाइल होगी ना एक्सेस में वो इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं विच इज डॉट ए सी सी डी बी स्टार्टिंग एक्सेस टू स्टार्ट द एक्सेस द स्टेप्स आर एज Number one, click on the start button and click all apps. The list of all applications will appear. Number two, click on access. Number three, click on blank database. A window will pop up. Number four, type the name of database in the file name box and select the location by clicking on browse button and click the OK button. Step five, click the create button. A blank database opens in the program window and a blank table named table one opens in data. शीट व्यू ओके आप देखिए किस तरह से हम एक्सेस को ओपन करेंगे जस्ट हैव अ लुक सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट पे ऑल एप्स फिर आप क्लिक करेंगे एक्सेस फिर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे ओके okay. अभी विंडो पॉपअप हो गई आपकी ओके okay. फिर हम यहां पर टाइप नेम टाइप करेंगे डेटाबेस का लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे ओके ओके नाउ ये जो क्रिएट बटन है इस पर क्लिक करना है अब देखिए ब्लैंक डेटा बेस ओपन हो गया प्रोग्राम विंडो में है ना और देखिए टेबल वन नाम से ये आपकी ओपन हो गई है राइट वर्किंग विथ टेबल इज अ डेटा बेस ऑब्जेक्ट दैट यू डिफाइन एंड यूज टू स्टोर अपडेटेड डेटा अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स एवरी रिकॉर्ड कंटेन डेटा अबाउट वन इंस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट Each field contains data about one table subject because other database objects depend so heavily on tables. In data sheet view, a table looks similar to an Excel worksheet in which data is stored in rows, records, and columns, fields, as shown in the following picture. When the active object is a table, the table tools, contextual tabs, fields, and table become available on the ribbon so that you can work on the table. Okay. देखिए टेबल आपका एक डेटा बेस ऑब्जेक्ट है जो आप डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं अपडेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए राइट टेबल में आपके रिकॉर्ड फील्ड होते हैं हर रिकॉर्ड में आपका डेटा होता है अबाउट वन इंस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट हर फील्ड में आपके डेटा होता है अबाउट वन टेबल सब्जेक्ट क्योंकि जो दूसरा डेटा बेस ऑब्जेक्ट है ना वो डिपेंडेंट होता है टेबल्स पे राइट तो डेटा शीट व्यू में टेबल जो है वो सिमिलर दिखती है जैसे आपकी एक्सल वर्कशीट दिखती है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में राइट right? ओके okay, तो जब आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट आपका टेबल है तो टेबल टूल्स टूल्सल जो टैब है वो अवेलेबल हो जाते हैं रिबन में सो so दैट आप टेबल पे वर्क कर सके राइट टेबल्स में में आपके में आपके टैब्स आते हैं फीस एंड टेबल राइट क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग टेबल्स

स्टोर कर सकते हैं ओके okay? आप एक न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं इधर डेटा शीट व्यू या डिजाइन व्यू में बाय यूजिंग द कमांड जो आपको मिलेंगे व्यूज ग्रुप में रिबन में ओके okay? इसके अलावा आप स्विच कर सकते हैं टू द अदर व्यू वो भी व्यू बटन का इस्तेमाल करते हुए राइट क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटा शीट व्यू इन डेटा शीट व्यू यू कैन एंटर डेटा इन अ न्यू टेबल विदाउट फोर्स डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ टेबल इन डेटा शीट व्यू फॉलो दी स्टेप्स रिबन नंबर टू इन द्रुप क्लिक द टेबल बटन अंक टेबल ओपन इन दब्जेक्ट विंडो इन डेटाशीट व्यू आप देखिए डेटा शीट व्यू में आपको डेटा एंटर करना है न्यू टेबल में लेकिन आपको क्या करना है बिना टेबल को डिफाइन किए हुए टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन किए ओके अब क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे जाएंगे क्रिएट पे क्रिएट टैब जो है आपका रिबन पे ओके इसके बाद आप करेंगे टेबल बटन पर क्लिक अब देखिए एक न्यू ब्लैंक टेबल ओपन हो गई आपकी है ना नेक्स्ट एडिंग फील्ड्स बाय एंटरिंग डेटा एंटरिंग डेटा इन डेटा शीट व्यू इज वेरी सिमिलर टू एंटरिंग डेटा इन एन एक्सल वर्कशीट द मेन रिस्ट्रिक्शन इज दैट डेटा मस्ट बी एंटर्ड इन कंटिन्यूस रोज इन कॉलम्स क्लिक ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेटा शीट द टेबल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाई यू एंटर डेटा In every new table created in datasheet data sheet view, Access automatically creates a first field which is called ID in the left column of the data sheet. By default, this field is designated as the table's primary key. You can add a new field to the table by entering data in the click to add column, the last column of the data sheet. When you data in the data sheet view, you will similar. Hota hai. काफ़ी समलर होता है जैसे आप वर्कशीट एक्सल वर्कशीट पे डेटा एंटर करते हैं ओके okay? बस मेन रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि जो आपका डेटा है वो कंटिन्यूअस रोज एंड कॉलम्स में आपका एंटर होना चाहिए ओके एंड क्लिक ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेटा शीट तो जो टेबल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाता है जब आप डेटा को एंटर करते हैं ओके okay? और हर न्यू टेबल में जो आपकी क्रिएट हो रही है जो एक्सेस ऑटोमेटिकली वो क्या करता है क्रिएट करता है फर्स्ट फील्ड को जिसे कहा जाता है आई डी ये आपका होता है डेटा शीट के लेफ्ट कॉलम में ओके एंड बाय डिफॉल्ट ये जो फील्ड होता है इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ टेबल्स प्राइमरी की आप न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं टेबल में बस आपको जस्ट क्या करना है डेटा को एंटर करना है इन द क्लिक टू एड कॉलम ओके जो डेटा शीट का आपका लास्ट कॉलम होता है ओके okay? तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से फील्ड ऐड कर सकते हैं बाई एंटरिंग डेटा ओके टू एड अ फील्ड बाई एंटरिंग डेटा फॉलो दी स्टेप्स step 1 click in the first cell in the click to add column enter the first item of data for the new record and th then press the tab or enter key to move the first cell in the column to the right access automatically assigns a value 1 to the id field the icon on the row selector changes every time to a pencil when the record has been changed but has not yet been saved step 2 click the pencil icon in the row selector Saves the first record with the value one assigned to the ID field. Subsequent records will be numbered sequentially. Step 3 Continue entering items of data in consecutive cells by pressing the tab or enter key. Number 4 When you finish entering all the data for the first record, click anywhere in the row below to save the record. After entering so many records as per your requirement, you must save the table. फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है क्लिक टू आर्ट कॉलम में ओके यहाँ पे आप डेटा का फर्स्ट आइटम एंटर करेंगे न्यू रिकॉर्ड के लिए फिर आप प्रेस करेंगे या तो टैप की या फिर एंटर की अच्छा देखिए अब देखिए एक्सेस ऑटोमेटिकली असाइन कर रहा है वैल्यू वन टू द आईडी फील्ड है ना अब हर टाइम ये चेंज हो जाएगा टू अ पेंसिल जब रिकॉर्ड आपका चेंज होगा बट ये अभी तक सेव नहीं हुआ ओके अब ये जो पेंसिल आइकन है इस पर हमने क्लिक किया इससे क्या होगा कि फर्स्ट रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा विद द वैल्यू वन ओके फिर आप डेटा को एंटर करते रहेंगे या तो आप टैप की को प्रेस करेंगे या फिर एंटर की को प्रेस करेंगे ओके और जैसे ही आप डेटा को एंटर करना बंद करेंगे कहीं पे भी रो में आप क्लिक कर दीजिए इससे आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा ओके ओके इसके बाद अगर जैसे ही आपका रिकॉर्ड पूरा हो जाए aapko table ko save kernel, right? Creating tables in design view. When you create a table in design view, you have more control over the database design. You first create the tables structure in design view and then you switch to data sheet view to enter data. In design view, the object window consists of two panes. The field entry pane located at the top of the window is used to enter each field's name, data type, and description. The field properties pane located at the bottom of the window is used to specify the field's properties. The properties available in the field properties pane depends on the data type design. देखिए जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना डिज़ाइन व्यू में तो ऑफकोर्स जैसे आपको बताया गया था कि यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द डेटा बेस्ड डिज़ाइन आप सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं डिज़ाइन व्यू में फिर आप डेटा व्यू डेटा शीट व्यू में स्वर्च करते हैं डेटा को एंटर करने के लिए तो डिज़ाइन व्यू में जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपके ऑब्जेक्ट विंडोज में आपके दो पेनज होते हैं फील्ड एंट्री पेन जो आपका विंडो के टॉप पे होता है इसको यूज़ किया जाता है फील्ड नेम को एंटर करने के लिए डेटा टाइप को एंटर करने के लिए एंड डिस्क्रिप्शन ओके एंड फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन जो आपके विंडो की बॉटम में लोकेटेड होता है इसको यूज़ किया जाता है फील्ड प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने के लिए ओके okay? ओके okay. तो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पेन में अवेलेबल है वो डिपेंड करता है ऑन द Data type assigned. To create a table in Design View, follow these steps. Step one: On the Create tab, in the Tables group, click the Table Design button. A new blank table opens in the Object window in Design View. Step two: In the Field Name column, type a name for the first field. Fields' names can be up to 64 characters long. They can include any combination of letters, numbers, spaces, and brackets. स्टेप थ्री इन द डेटा टाइप कॉलम क्लिक द डाउन एरोक्ट अ डेटा टाइप फ्रॉम फोरम टाइप फॉर द फील्ड एंडिशनल फील्ड चलिए देखिये आपको क्या करना है इसमें टेबल को आपने क्रिएट करा डिजाइन टाइम इसके लिए आप क्या करेंगे टेबल्स ग्रुप में जाएंगे टेबल डिजाइन बैटन पर क्लिक करेंगे न्यू ब्लैंक टेबल ओपन हो गई आपकी है ना फिर फील्ड नेम कॉलम में कोई भी नाम आप टाइप करेंगे फोर्स फील्ड के लिए इसमें आपके सिक्सटी फोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं ओके okay. फिर डेटा टाइप कॉलम में आपने क्लिक करना है डाउन एरो एंड देन डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे ओके okay. फिर डिस्क्रिप्शन कॉलम में डिस्क्रिप्शन को ऐड करना फिर आपको फिर से ये जो स्टेप्स है आपको रिपीट करना है स्टेप टू से और जब जा सारी फील्ड्स आपकी एंटर हो जाए इसके बाद आपको टेबल को सेव करना ओके सेटिंग अ प्राइमरी की अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अ प्राइमरी की फर्स्ट द प्राइमरी की इज ऑटोमेटिकली इंडेक्सड व्हिच मेक्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फास्टर सेकेंड वेन यू ओपन अ टेबल द रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड इन ऑर्डर बाय द प्राइमरी की

ओके okay, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं प्राइमरी की को सेट करने के लिए पहला तो ये कि जो प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड होती है जिससे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल काफ़ी फास्ट हो जाता है सेकंड जब कभी भी आप टेबल को ओपन करते हैं तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सॉर्टेड हो जाते हैं ऑर्डर में बाय द प्राइमरी की ओके तो एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है प्राइमरी की आपके लिए अजाइन करता है इट अ फील्ड नेम ऑफ आई एंड देन ऑर्डर नंबर डेटा टाइप तो डिजाइन व्यू में आप प्राइमरी की को चेंज कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं या फिर प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं टेबल के लिए जो कि कैसे करेंगे आप देखते हैं टू सेट अ प्राइमरी की फॉलो दी स्टेप्स स्टेप वन सिलेक्ट अ रो ऑफ द फील्ड यू वॉन्ट टू डेजिग्नेट एज द प्राइमरी की स्टेप टू इन द डिजाइन टेप टाप इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द प्राइमरी की अ की आइकन कैन टू द लेफ्ट ऑफ द फील्ड दैट यू स्पेसिफा एज द प्राइमरी की तो देखिए किस तरह से सेट से से करेंगे सबसे पहले फील्ड की रो को सिलेक्ट करना है ओके okay. जैसे हम डिजिग्नेट करना चाहते हैं ऐसा प्राइमरी की फिर हम जाएंगे डिजाइन टैब में यहां पे प्राइमरी की को क्लिक किया अब देखिए ये की आइकन आपका अपीयर हो रहा है ना राइट नेक्स्ट सेविंग टेबल्स आफ्टर यू क्रिएट और मॉडिफाई अ टेबल यू शुड सेव इट वेन यू सेव टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड गिव इट अम द्राइब्स टू सेव टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलो दिस टेप स्टेप वन ऑन द क्विक एक्सेस टूल क्लिक द सेव बटन द सेव डायलॉग बॉक्स स्टेप टू इन देश ने टेबल स्टेप थ्री क्लिक द ओके बटन दस इन दिस्ट इन द नेविगेशन पी ओके अब आपको टेबल को सेव करना है ऑफकोर्स जब आप क्रिएट करते हैं टेबल को मॉडिफाई करते हैं तो आपको उसको सेव करना चाहिए तो जब आप टेबल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आपको उसको नाम देना है जो कि उस डेटा को डिस्क्राइब कर

closing database when you finish working on a database you should close the file if the database contains any unsaved object you will be prompted to save the object before closing the file to close the database click the file tab and then click close button जब आपने database पे काम करना बंद कर दिया तो अब आपको क्या करना है आपको file को close करना है ठीक है अगर database में कोई भी अनसेव्ड ऑब्जेक्ट है देन यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द ऑब्जेक्ट मतलब फाइल को क्लोज करने से पहले So, database will close. Karne just click on the close button. And now you will close. Hujaya. Exiting access. When you finish using access, you should exit the program to free up system resources. There are two ways to exit access. Number one, click the close button in the upper right corner of the program window. Number two, another option to exit access is press Alt plus F4 key together. With this option, you will exit from access in a very easy way. Okay. अब आपने एक्सेस में काम करना बंद कर दिया है आपका काम फिनिश हो चुका है नाउ यू हैव टू लीव यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द एक्सेस तो उसके लिए आपके दो वेज हैं नंबर वन आप सिंपली क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे राइट right, तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास आप करेंगे प्रेस ऑल्ड प्लस एफ ओ की ओके okay, और इस ऑप्शन के साथ ही आप एक्सेस से एक्सिट हो जाएंगे राइट समिंग अप एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज आर टी पी MS. A relational database organizes data in tables or relations. The database file consists of the whole data of the document. A table is a basic element of a database and contains the data entered by users. A field is an individual set of data items that are of the same type. A query asks a question about the data stored in the tables and returns a result. Forms view the data in which they show a single record at time. Reports are often used to present an overview highlighting main points and trends. Access allows users to do an easy and visual mechanism to make and manage macros. A primary key consists of one or more fields that uniquely identify each record in the team. Children, I hope you have chapters. Chapter, chapter ki practice and exercise ki practice. Ab ab khud se <laughs>